हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जरूर दबा दें ताकि आप हमारी वीडियो आगे भी देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य है, इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 240,928 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने भौतिक विभागों में इसे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो 3 भौतिक विभागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? आपको बताना है कि 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने महाजनपद थे, ये आपको बताना है। तो 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 महाजनपद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों, क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का यानी कि पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम का इसका विस्तार है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 650 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? अब आपको बताना है कि यानी कि दक्षिण से ऊपर से यानी नीचे का दक्षिण से सॉरी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, ये अब आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 किलोमीटर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 240 किलोमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में सभी राज्यों के में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आप सभी को पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य को उत्तरी सीमा यानी कि उत्तरी जो भाग है उत्तर प्रदेश का, इसी किस देश की सीमा स्पर्श करती है? तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितने देशों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो सिर्फ एक देश की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है और वो भी नेपाल है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा से एक देश की सीमा मिलती है नेपाल की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो दोस्तों, अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं उत्तर प्रदेश के राज्य को। तो उत्तर प्रदेश राज्य को 9 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो पुराना भूभाग था दक्षिणी, उसे वह किस भाग का हिस्सा हुआ करता था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का आकार किस प्रकार का है? अब आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का आकार है, यह किस प्रकार का उत्तर प्रदेश का आकार है? तो लंबवत उत्तर प्रदेश का आकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबवत। तो यही से याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? अब आपको बताना है, जो उत्तर प्रदेश की पूरब की सीमा है, यह किन राज्यों से मिलती है? तो बिहार और झारखंड से उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा स्पर्श करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार और झारखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक विकसित क्षेत्र बागर का क्षेत्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक पहाड़ी कौन सी है? सर्वाधिक उच्च यानी कि ऊंची पहाड़ी कौन सी है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाकर पहाड़ी दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है, या किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो कंकरीले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भावर की तंग पट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंकरीले क्षेत्र में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिणी का पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जिला है जो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको बताना है। तो आगरा का जिला इसके अंतर्गत नहीं आता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण में जो पठारी भूभाग है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो बुंदेलखंड के नाम से उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठार को जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी इसका निर्माण करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र है कि किस तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो सवाना प्रकार की लंबी घास इस तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है। तो बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में हीरा निकाला जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांदा जिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में इसे स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेणुकूट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से निकाला जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनराई ललितपुर में, यानी कि ललितपुर में स्थित है सोनराई, यहाँ से तांबा अयस्क निकाला जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ निकलता है? अब आपको बताना है कि बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकाला जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांदा और वाराणसी से इसे निकाला जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहाट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है कि ये जो डोलोमाइट खनिज है इसका उपयोग किस में किया जाता है, किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस्पात उद्योग में निसरण निसरण व ताप सह हेतु, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि हीरा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से निकाला जाता है, और अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो शारदा और रामगंगा नदियों में उत्तर प्रदेश से सोना प्राप्त होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत गृह स्थापित है, यह आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगरौली, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, यमुना, रामगंगा और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सीमा में आकर मिलती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना, रामगंगा और गोमती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों ये जो गोमती नदी है गंगा नदी की सहायक नदी है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा है कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में किस स्थान पर आकर मिलती है? तो गाजीपुर में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजीपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो सॉरी जो गंगा नदी है यह किन दो नदियों के मेल से बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी की जो जलधारा होती है, इन दोनों नदियों के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों तो ये जो रामगंगा नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, और क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि ये रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पौड़ी गढ़वाल से रामगंगा नदी का उद्गम हुआ है, ये वहाँ से निकलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आपको बताना है कि ये जो गंडक नदी है इसका उद्गम स्थल किस स्थान से है, किस स्थान से ये नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंटेगाम हिमनद से गंडक नदी निकलती है, और ये जो नदी है ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? ये आपको बताना है कि ये जो बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जिले से यमुना नदी में मिल जाती है, और ये यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दिया है, तो यही आपको बताना है कि किस किस स्थान पर आकर ये है यमुना नदी में मिल जाती है। तो हमीरपुर में आकर यह है मिल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मोती झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ये एक मोती झील है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में मोती झील है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानपुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा नगर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो एक नगर इनमें ऐसा है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना, वो सॉरी लखनऊ जो शहर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों अब आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मथुरा नगर है यह यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिया है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित नहीं है, यह इसका जो में जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्ठूर, ये यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, और मथुरा, आगरा और बटेश्वर ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट्ठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो अयोध्या नगर है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को पता होगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर बसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरयू नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपको बताना है कि गंगा और यमुना के जब मिलन होता है इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप सभी को पता होगा इन्हें संगम के नाम से इसे बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्रायणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी को इन सभी नामों से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था उत्तर प्रदेश के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूँ, जो अगला अगला नेक्स्ट नेक्स्ट महीना है अक्टूबर का, उसमें मैं आपके लिए जो अगर आप लोग SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं या UP SSC BDO की,
तो मैं आपको अगले महीने में इसकी क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।